वेलकम टू एजुकेट ऑल इंडियंस। एजुकेट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो रेलवे एनटीपीसी के लिए हम लोग जो जीके चला रहे थे, जीके का हमारा जो रोज 50 क्वेश्चंस का जीके का जो वीडियो आता है, उसी का एक नया वीडियो आज हम फिर लेके आए हैं। ये 50 क्वेश्चंस का जीके का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। रोज हम ये 50 क्वेश्चंस देते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो जीके अभी हाल ही में रेलवे ने अपने एग्जामों में पूछे हैं। ठीक है, उन्हीं से ये कलेक्ट करके मैंने सारे ये क्वेश्चंस दिए हैं आपको और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन लगाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा रेलवे एनटीपीसी में जो 40 क्वेश्चंस जीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, सीबीटी 1 में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लगाइए। लगभग मैंने 10 से 11 वीडियो हो चुके हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सारे आप देख लीजिए। और ये वीडियो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है। ठीक है, कौन सा काल है संसदीय बैठक का जो पहला काल होता है, उसे हम प्रश्नकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हेनरी विवियान डेरोजियो, ठीक है, हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये पूछा गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है, तो यह है युवा बंगाल आंदोलन। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ ही लिया गया कि इसका संबंध किस से था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन अभी रेलवे ने पूछे अपने एग्जाम में, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं, तो ये दर्शाती हैं डीजनरेट। ठीक है, क्या दर्शाती हैं? समान ऊर्जा वाली जो कक्षाएं होती हैं उन्हें हम डीजनरेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है, तो इसे पंजाब में खेला जाता है, पंजाब। ठीक है, जो गटका है मार्शल आर्ट का एक रूप है और इसे कहाँ खेला जाता है, ये पंजाब में खेला जाता है गटका, तो याद रखिएगा, ये गटका जो है एक मार्शल आर्ट का एक रूप है और इसे पंजाब में खेला जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है, तो पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो चीन से नहीं लगी है, नेपाल से लगी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल डैश कहलाता है। ठीक है, जो सेल में उसके बाहर व भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल क्या कहलाता है, इसे फ्लैसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैसिड। ओके, जो सेल होता है उसके बाहर व भीतर जब प्रवाह बराबर हो जाता है तो उस सेल को फ्लैसिड बोला जाता है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, चौथे अखिल भारतीय सचेतक वीप सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो ये था यूथ पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट। चौथे अखिल भारतीय सचेतक वीप सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो यूथ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो चौथा अखिल भारतीय सचेतक हुआ था उसे यूथ पार्लियामेंट योजना का प्रारंभ हुआ। इसलिए हम दो तीन बार क्वेश्चन को, इसलिए जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं रिपीट करते हैं कि आपको लर्न हो जाए, दो तीन बार देख लें, ये नहीं कि बस क्वेश्चन भागते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लर्न भी करना है आपको साथ में। ठीक है, यूथ पार्लियामेंट था। नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसाई धर्म में। ठीक है, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 है ये मुंबई तक है, आगरा से मुंबई, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संतृप्त जल वाष्प के दबाव को ठीक है कहा जाता है, तो इसे जलीय तनाव कहते हैं। जो संतृप्त जल वाष्प के जो दबाव होता है उसको हम जलीय तनाव बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आरआरबी उसमें सॉरी रेलवे एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, रामायण किसने लिखी थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, वाल्मीकि ने लिखी थी, ये तो सभी को पता होगा। भारतीय संविधान का जीवन में जीवन का अधिकार क्या है? तो ये जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की? तो ये है अकबर। और किस हिंदू ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल, ये भी पूछा जाता है, हिंदू थे ये। ठीक है, तो ये बीर अकबर ने शुरुआत किया और बीरबल सबसे पहला हिंदू थे जिन्होंने इसे स्वीकार किया। नेक्स्ट, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? अप्रोच रन। ठीक है, तो ये लिखा है दौड़ जो प्रतियोगिता होती है इसमें दौड़ के समापन की पद्धति से संबंधित नहीं है। जो समापन की पद्धति होती है शोल्डर श्रग, डिप, रन थ्रू, ये अप्रोच रन, ये समापन पद्धति से संबंधित नहीं है। देखिए ये भी है, वर्ड रिलेटेड टू गेम्स स्पोर्ट्स ये पूछे जाते हैं, वही है अप्रोच रन। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल जहाँ वॉलीबॉल खेला जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। अगला, डीएनए में विशेष स्थान पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ठीक है, जो डीएनए में विशेष स्थानों पर जो कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये होते हैं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, जो डीएनए में विशेष स्थान पर जो कट होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो उन्हें पोटीन बोलते हैं। ठीक है, पोटीन, जो सातवाहन लोग तांबा और चांदी का जो मिश्रण यूज करते थे उसे पोटीन बोला जाता था, पोटीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहावने पर स्थित है? तो जुआरी मुहावने पर स्थित है, ये है मोरमू गावा। ठीक है, तो मोरमू गावा ये आंसर हो जाएगा इसका, मोरमू गावा जो बंदरगाह है तमिलनाडु का वो जुआरी मुहावने पर स्थित है, जुआरी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में से सरकारी योजनाओं योजना दुर्घटना बीमा के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो ये आपको बताना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या दुर्घटना बीमा के लिए। अगला क्वेश्चन है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसल, जो मार्च और जून के बीच में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसे ग्रीष्मकालीन फसलें बोलते हैं। ठीक है, खरीफ, शीतकालीन नहीं, इसे ग्रीष्मकालीन फसलें बोला जाता है। ऑप्शन में भी देखो कैसी हैं, ऑप्शन कैसा है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसलें। अगला, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश, जो संसद चलेगी वो हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप संसद के अंदर बोल सकते हैं, बस इन दो भाषाओं का संपादन हो सकता है संसद के अंदर। अगला है, बोस्पोरस जल संधि निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? ठीक है, तो ये बताना है आपको, जो बोस्पोरस जल संधि है ये काला सागर और मारमरा सागर इसको जोड़ती है, बोस्पोरस। ठीक है, बोस्पोरस जल संधि है काला सागर, ब्लैक सी और मारमरा सागर, इनको जोड़ती है बोस्पोरस जल संधि। नेक्स्ट आएंगे। ठीक है, अगला आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, हमारा ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2014 में मेक इन इंडिया लागू की, जब नीति आयोग बना था। नेक्स्ट आएंगे, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों को ऋणों पर वसूल करता है, इन्हें हम बैंक रेट बोलते हैं, बैंक रेट, ठीक है। वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है, इसे बैंक रेट बोला जाता है। अगला, देशज खेल कलरी पायट्टू मूलतः किस राज्य से है? तो जो देशज खेल है कलरी पायट्टू, ये किस राज्य से है? तो ये केरल से है, ये भी याद रखिए, बहुत अच्छा खेल है कलरी पायट्टू। देखिए कुछ हटके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत पॉपुलर होते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देखो केलर के केरल का कौन सा गेम पूछ लिया, कलरी पायट्टू जो खेल है वो कहाँ से रिलेटेड है? केरल से, ठीक है। अगले आगे आएंगे, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो ये है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट आएंगे, ऊपर वाला फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। तो ये पूछा गया है किस रिट रिट को, ठीक है, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा गया है? तो इसे हैबियस कॉर्पस को, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? 6 से 14 वर्ष मुफ्त शिक्षा होगी, 14 साल तक, 6 से 14 साल तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? तो ये राजवर्धन सिंह राठौर, ये निशानेबाज थे, जीतू राय ये भी निशानेबाज थे, अभिनव बिंद्रा ये भी निशानेबाज थे, ठीक है, ये इस समय खेल मंत्री, ठीक है, खेल मंत्री सुशील कुमार, ये नहीं रिलेटेड है, ठीक है, ये कुश्ती से हैं रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट आएंगे, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो उन्होंने धम्म महामात्रा, ठीक है, धम्म महामात्रा इस नए पद का निर्माण किया था। नेक्स्ट आएंगे, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? न्यूयॉर्क, ओके, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द निम्नलिखित में से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो नृत्य कला, नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द किस भारतीय कला से संबंधित है? तो ये नृत्य कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन 1905, इसके एक साल बाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को डैश कहा जाता है, इसे वात रक्त या गाउट कहा जाता है, ठीक है। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुए जोड़ों में जो सूजन हो जाती है उसे हम गाउट या वात रक्त बोलते हैं, गाउट याद रखिएगा, गाउट, ठीक है, इंग्लिश में गाउट बोलते हैं और हिंदी में वात रक्त बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन हिंदी में नहीं दिया होता, गाउट ही दे दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इंग्लिश में जानना जरूरी है, गाउट बोलते हैं। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। क्या होता है जब पीएन जंक्शन होता है? तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट होती है, ठीक है। चलिए वो तो पता ही है ना, पी एन जंक्शन, ये पी जंक्शन, ये पी है और ये एन जंक्शन है, ठीक है, ऐसे दोनों जुड़े होते हैं पी और एन, तो ये बताना था। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इधर से चलते हैं, तो ये सब चीज़ें पता ना, तो वही चीज़ें हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न होता है। चलिए आगे आते हैं, अब यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर डैश में आयोजित किया जाता है, हर 4 वर्ष बाद, ठीक है।
किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है, जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? ये रुद्रोष्म प्रक्रम होता है। किस प्रक्रिया के सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है, जैसे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान जो होता है वो शून्य होता है, इसे हम रुद्रोष्म प्रक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, इसे हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में, ठीक है, मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, तो इसे हम ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु परियोजना के माध्यम से मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? 1950 में राष्ट्रगान को मान्यता दी। देश में न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? महान्यायवादी का, ठीक है, न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का अधिकार होता है, कर्तव्य किसका होता है? महान्यायवादी का। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना, 6th गरीबी हटाओ। ठीक है, तो गरीबी हटाओ ये 6th पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। आगे आएंगे, स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल डैश के रूप में जाना जाता है, ये हम कर्तन बल बोलते हैं इसे। ठीक है, जो स्पर्श रेखी बल लगने के कारण जो प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल कर्तन प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, कर्तन प्रतिबल। अगला क्वेश्चन, हीरों के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला। ठीक है, पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है वो हीरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे आएंगे, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, इन्हें हम नीति निदेशक सिद्धांत भी बोलते हैं। नेक्स्ट आएंगे, 47 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन, इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? केरल, इडुकी, वहाँ पे इडुकी रिवर भी है, ठीक है, पेरियार रिवर है वहीं पर, यह है केरल में है। ठीक है, कौन सा? इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। आगे आएंगे, किस नदी को चीन का सोक कहा जाता है? तो हांग ही, ठीक है, हांग ही, हांग ही। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, रोज आपको ये जीके का एक वीडियो मिलता है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि सारे वीडियो करिएगा, एक भी क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में 100% आप 30 प्लस करके आएंगे। ठीक है, गारंटी है आप 30 प्लस जरूर करके आएंगे अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सांध तारा के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह, सांझ का तारा जैसे बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे जीके के, मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।